हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 2019 में की गई विदेश यात्रा के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से देश किस रीजन से गए। प्रधानमंत्री मोदी टोटल 14 देशों की यात्रा 2019 में किए, जिसे हम डेट वाइज और कौन से देश में यात्रा किए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं 2019 में पहली यात्रा किस देश से शुरू हुई। जो सबसे पहली यात्रा थी वो आप देख रहे हैं साउथ कोरिया, जो कि 21 से 22 फरवरी की हुई थी। वो एक स्टेट विजिट था। मालदीव और श्रीलंका भी एक स्टेट विजिट था। ये जो स्टेट विजिट होता है, इसके बारे में कुछ जानते हैं कि ये क्या होता है स्टेट विजिट। स्टेट विजिट एक मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। मान लेते हैं कि जैसे हमारा और श्रीलंका से अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है, तो एक अगर कोई भी सार्वजनिक समारोह हुआ तो वो वहां पे बुलाते हैं। उसी तरह से ये जो तीनों, जो साउथ कोरिया आप देख रहे हैं, मालदीव में जो 8 जून को बुलाया गया है, श्रीलंका में 9 जून को बुलाया गया, ये सब स्टेट विजिट था। फिर नेक्स्ट है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में जो विजिट हुए थे वे एक ऑफिशियल विजिट थे, जो 14 से 15 जून को हुआ था। ये जो विजिट हुआ था इसमें SCO समिट हुआ था, 2019 SCO समिट। ये समिट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो शंघाई SCO जो काम करती है, वो काम करती है टेररिज्म और अंदरूनी शांति के लिए ये SCO काम करती है। जो SCO के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये जो SCO है ये चाइना के द्वारा, चाइना स्थापित किए थे। और ये इसमें जो यूरेशियन देश हैं, और 2016 में भारत और पाकिस्तान इससे जुड़े थे। जो नेक्स्ट है हमारा जापान। जापान जो 27 से 29 जून को ये यात्रा हुआ था, विजिट हुआ था यहाँ पे, ये इसका भी एक ऑफिशियल काम था यहाँ पे, जहाँ पे G20 समिट था, ऑफिशियल विजिट था G20 समिट। G20 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो G20 होते हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पर काम करती है, के लिए काम करती है ये जो कंपनी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है G20। जो नेक्स्ट विजिट था पीएम मोदी के द्वारा, ये भूटान, जो कि 17 से 18 अगस्त को हुआ था भूटान में। भूटान में जो हुआ था ये स्टेट विजिट था। नेक्स्ट विजिट फ्रांस में, और ये 22 से 23 अगस्त हुआ था फ्रांस में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी फ्रांस मेंशन है, जो कि 25 से 26 अगस्त, और दो दो मतलब 22 से 23 अगस्त और 25 से 26, ये दोनों फ्रांस एक ही साथ, ये सारे मतलब 22 से लेके 26 तक फ्रांस, यूएई में और बहरीन में ये यात्रा किए थे। जो फ्रांस में किए थे वो उस समय 22 से 23 अगस्त वो वहां पे गए थे, और उसके बाद यूएई में गए थे। यूएई में भी एक स्टेट विजिट ही था, लेकिन वहां पे उन्हें एक ऑर्डर ऑफ जायद, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यूएई का, वो उनसे सम्मानित किया गया था पीएम मोदी को 23 से 24 अगस्त को। फिर नेक्स्ट जो था बहरीन में 24 से 25 अगस्त को, और नेक्स्ट फ्रांस में जो ये फिर से जो हुआ था, इसमें जो 45वां G7 समिट था, ये इसमें भाग लिए थे फ्रांस में, जो 25 से 26 अगस्त को हुआ था G7 समिट। ये जो G7 समिट है वो काम करती है ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी पे काम करती है। जो नेक्स्ट है हमारा, जो पीएम मोदी गए थे रसिया में जो मूवमेंट था, विजिट था, वो 4 से 5 सितंबर को हुआ था। अब देख रहे हैं 4 से 5 सितंबर, यहाँ पे जो रसिया में जो विजिट हुआ था ये ऑफिशियल विजिट था। वहां पे वो CPR विजिट किए थे, और दोनों देशों के बीच बाइलेटरल टॉक्स हुए थे भारत और रशिया के बीच में। और नेक्स्ट जो विजिट था पीएम मोदी के द्वारा USA में था, यहाँ पे आप देख सकते हैं USA में, जो कि 22 से 27 सितंबर को हुआ था। उसके बाद जो सऊदी अरब में, जो आपको पता है USA में जो हुआ था 22 से 27 सितंबर, ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि इसमें हाउडी मोडी इवेंट हुआ था। नेक्स्ट जो इवेंट है सऊदी अरब में, जो कि 29 अक्टूबर को हुआ था, ये एक स्टेट विजिट था। थाईलैंड में जो विजिट था, नेक्स्ट विजिट, जो कि 2 से 4 नवंबर हुआ था, इसमें दो दो इवेंट थे, दो दो समिट थे, वो
पार्टिसिपेट किए, वहां पे गए, जो कि 35वां आसियन समिट था, एएसईएन समिट था, जो आपको पता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है एशियन समिट। और नेक्स्ट उसी दिन, उसी 2-4 नवंबर के बीच में वो ईस्ट एशिया समिट जो हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे, जिसका काम है पॉलिटिकल कोऑपरेशन, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इशू पे काम करती है ईस्ट एशिया समिट। ये ईस्ट एशिया, एशिया के जितने ईस्ट के देश हैं वो सब इसमें भाग लेते हैं ईस्ट एशिया समिट, जो कि थाईलैंड में हुए थे। थाईलैंड में दोनों 2-4 नवंबर के बीच में ही हुए थे, आसियन समिट और ईस्ट एशिया समिट। नेक्स्ट जो है ब्राजील में, ब्राजील में जो हुआ था 13-14 नवंबर को, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 13-14 नवंबर को, ये ब्रिक्स समिट में ऑफिशियल विजिट में गए थे, ब्रिक्स समिट, जो कि आपको पता है कि ब्रिक्स में भारत, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील।